दादीमा, आप तो कमला जी की जेठानी है, फिर उनके बारे में कुछ बताइए ना। कमला का जो था सेवा भाव, उसका पहली बात ये थी कि वो आपके सामने हंसती हुई आती थी। दूसरे उसमें नम्रता थी, तीसरे उसमें एकता थी, कि वो बड़ी खूबसूरत थी, वो गुलाब का फूल थी। जिस वक्त उसकी शादी हुई है उसको गुलाब का फूल, उसका नाम प्रेम लता रखा गया। और वह प्रेम की लता थी, वो खाली प्रेम नहीं था बल्कि प्रेम की लता थी। जिससे वो लता चिमट गई उसको भी प्रेम आ गया। 1909 में 10 साल की एक छोटी लड़की दिल्ली से जयपुर आई, लेकिन उसे घर की अन्य लड़कियों की तरह बाहर जाने की मनाही थी, पर उसे ये अच्छा नहीं लगा था। और यही कारण था कि उसने अपने भाइयों के कपड़े पहनकर पर्दे से बाहर आने में संकोच नहीं किया था। शायद यही से कमला की विद्रोही मनोवृत्ति का अंकुर प्रस्फुटित हुआ था। 3 साल बाद की घटना है। तत्कालीन इलाहाबाद के सुविख्यात वकील मोतीलाल नेहरू ने लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ रहे अपने पुत्र जवाहरलाल को जब एक लड़की का चित्र भेजा तो पुत्र ने उत्तर दिया, आपने बिल्कुल सही लिखा है कि बाह्य सौंदर्य से ही अंतर की छवि का अनुमान लगाया जाता है। 1912 के अंत में जवाहरलाल बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। 1916 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में उनकी भेंट जवाहरलाल से हुई। यही भारत के राजनीतिक इतिहास का स्वर्णिम आरंभ था। माहौल था बिखरे हुए बसंत के सौंदर्य का। इलाहाबाद से एक बारात दिल्ली आई। ऐसी बारात जिसके ठहरने के लिए रावटियों और शामियानों का एक नगर बसाया गया था। दिल्ली वालों ने इसके पहले इतनी तड़क भड़क और शानो शौकत वाली बारात नहीं देखी थी। बारात थी मोतीलाल नेहरू के सुपुत्र जवाहरलाल नेहरू की। शुभ मुहूर्त आया। 8 फरवरी 1916 यानी बसंत पंचमी के दिन जवाहरलाल और कमला विवाह बंधन में बंध गए। कमला कौल, कमला नेहरू बनकर इलाहाबाद आनंद भवन में आ गईं। तब वो 17 वर्ष की थी और जवाहरलाल 26 के। इन्हीं कमला नेहरू का 1 अगस्त 1899 को दिल्ली के बाजार सीताराम स्थित हवेली में जन्म हुआ था। माता थी राजपति और पिता थे जवाहरमल कौल। शरीर के रोम रोम से भारतीय संस्कृति में रमी बसी कमला आनंद भवन के पाश्चात्य रहन सहन पर बिना टीका टिप्पणी किए भारतीय परंपराओं के अनुसार अपना फर्ज निभाने लगी। फलस्वरूप थोड़े ही समय में जहां वो मोतीलाल नेहरू की लाडली बहू कहलाने लगी, वहीं अन्य व्यक्तियों के लिए आदर्श के रूप में आदरणीय बन गईं। गांधी जी अब देश में एक अप्रतिम शक्ति के रूप में उभर आए। उन्होंने बिहार के चंपारण क्षेत्र में नील की खेती के लिए विवश किसानों को अंग्रेज जमींदारों के जुल्मों से मुक्ति दिलाई और 100 वर्षों से चली आ रही तीन कटिया प्रणाली का अंत किया। गांधी जी के सत्याग्रह की सफलता ने जवाहरलाल के विचारों में एक नई क्रांति का बीज बोया। इसका प्रभाव एक और व्यक्ति पर पड़ा, शायद जवाहरलाल से भी अधिक। वो थी कमला। कमला ने पति के कंधे से कंधा मिलाकर उनके मनोबल में दृढ़ता का संचार किया। 1920 में अंग्रेजी सरकार से जवाहरलाल की पहली मुठभेड़ हुई। उस समय वो अस्वस्थ कमला के साथ मसूरी में थे। विदेश
विदेशी सरकार ने जवाहरलाल की उपस्थिति को खतरनाक समझा और अविलंब मसूरी छोड़ देने का आदेश दे दिया। कमला ये सोचकर प्रसन्न थी कि उनके पति से भी अंग्रेजों को भय होने लगा था। जवाहरलाल इलाहाबाद आ गए, उनकी सक्रियता बढ़ गई, दीन दुखियों और किसान मजूरों से मिलने लगे। उन्होंने कहा, इन्हें देखकर मुझे बेहद तकलीफ पहुंची है और शर्म भी आई है। शर्म आई अपने आराम तलब जीवन पर और शहर की ओछी राजनीति पर, जिसने भारत के असंख्य भूखे अर्धनग्न पुत्रों और पुत्रियों की उपेक्षा की है। जवाहरलाल स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, आनंद भवन की जीवन पद्धति बदल गई और जिंदगी आत्मत्याग का प्रतीक बन गई। समस्त नेहरू परिवार भारतीय प्रवाह में बह उठा। कमला यही चाहती थी, एक सहज सरल बालिका से सहसा वो बुद्धिदीप्त कर्मनिष्ठ नारी के रूप में रूपांतरित हो उठी थी। उन्होंने अनुभव किया कि भारतवर्ष उनका है और वो संपूर्ण रूप से भारत की पुत्री हैं। जवाहरलाल अब तक कमला के वास्तविक रूप को पहचान नहीं सके थे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा, कमला की आंखों में एक विशेष गहराई थी, मैंने उनमें तूफान आने का पूर्व संकेत देखा था और देखा था उनमें ज्योतिपुंज को, जो उसके बाह्य और अंतर को प्रकाशित कर रहा था। 19 नवंबर 1917 को आनंद भवन खुशियों से भर गया। जवाहर कमला की प्रियदर्शनी इंदिरा का जन्म हुआ। 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का शंख फूंका। गांधी जी ने एक बंबई में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई तथा कमला और जवाहरलाल ने आनंद भवन के प्रांगण में हजारों नहीं लाखों के मूल्य के विदेशी वस्त्रों को अग्नि देवी के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने जवाहरलाल को गिरफ्तार कर लिया। 1920 से 1923 के बीच जवाहरलाल ने 350 से ज्यादा दिन जेल में बिताए थे। कमला का जीवन अनिश्चित भविष्य के सहारे बीतता रहा। जीवन निर्वाह के लिए उनके गहने बिक रहे थे, परंतु वो तनिक भी दुखी नहीं थी। 1924 के अंत में कमला ने एक अपरिपक्व बच्चे को जन्म दिया, जो केवल 2 दिनों तक जीवित रहा। पुनः कमला की तबीयत खराब हो गई। 1926 के मार्च महीने में कमला को लेकर जवाहरलाल वेनिस के लिए रवाना हो गए। साथ में 9 वर्षीय इंदु भी थी। वेनिस से कमला मॉन्टेना सेनेटोरियम गई। डॉक्टरों को शक था कि उन्हें तपेदिक हो गया है। उसी दौरान उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी सीखना शुरू किया। बड़े बड़े लेखकों की किताबें पढ़ी, जिनमें पर्ल बक, टेनिसन और दोस्तोवस्की उल्लेखनीय हैं। कमला की सुप्त आकांक्षाओं के पंख फैल गए और क्षितिज के पार उड़ जाने को व्याकुल हो उठे। कमला पुनः बीमार रहने लगी, फिर भी वो जवाहरलाल के साथ साथ आंदोलनों में हिस्सा बताती रही। फिर शुरू हुआ गांधी जी का जगत प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह। गांधी जी ने बीज तो पहले ही बो दिया था और वो धीरे धीरे अंकुरित भी हो उठा था, लेकिन समय आते ही अनायास उसका रंग बदला। परिणाम स्वरूप दासत्व की वेदना, अत्याचार की यातना और दरिद्र की व्यथा ने ज्वाला का रूप धारण कर लिया।
यज्ञ में अपनी आहुति देने से पीछे नहीं रही। गांधी जी ने दांडी के किनारे मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा तो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक हर शहर और हर कस्बे में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा जाने लगा। जवाहरलाल और कमला नेहरू ने भी इलाहाबाद में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। 14 अप्रैल 1930 को वो गिरफ्तार कर दिए गए। उनकी गिरफ्तारी के बाद कमला नेहरू ने उस दायित्व को संभाला। ब्रिटिश सरकार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में लिखा गया, स्त्रियों में जो जागृति आई है उससे कांग्रेस के लोग भी आश्चर्यचकित हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि देश में अव्यवस्था फैलाने वाली शक्तियों को ये और जटिल बनाने में सहायक सिद्ध होगी। कमला नेहरू सचमुच ही नारी जागृति की मसीहा बन गई थी। सरकार ने इलाहाबाद कांग्रेस कमेटी पर बैन लगा दिया। अविलंब कमला नेहरू महिला कांग्रेस कमेटी की सभापति चुन ली गई। उनकी तीव्रता और बढ़ गई। उन्होंने महिलाओं का एक स्काउट्स दल तैयार किया और स्वयं पुरुष के कपड़े पहनकर वो नित्य सुबह कवायद में शामिल होने लगी। उनका हाथ बटाने वाली महिलाओं में प्रमुख थी महादेवी वर्मा और जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती। अथक परिश्रम ने दुर्बल शरीर को और दुर्बल बना दिया। परिणाम स्वरूप एक दिन एक कॉलेज के सामने जब वो भाषण दे रही थी तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। छात्र फिरोज गांधी ने उनकी सहायता की। उसी समय से फिरोज गांधी ने कमला नेहरू का हाथ बटाना शुरू कर दिया। 15 अक्टूबर 1930 को अंग्रेजी सरकार ने राष्ट्रीय स्त्री सभा और देश सेविका संघ पर प्रतिबंध लगा दिया। तब सेवा संघ की बुनियाद पड़ी। फिर कमला ने मंदिरों में हरिजन भाइयों के प्रवेश के लिए आवाज उठाई। फलस्वरूप कालबा देवी का नारायण मंदिर हरिजनों के लिए खोल दिया गया। कमला की यह महान उपलब्धि थी। उन्होंने ही आनंद भवन के एक हिस्से में एक छोटा सा अस्पताल खोला था जहां अन्य व्यक्तियों के अतिरिक्त स्वाधीनता आंदोलन में आहत कार्यकर्ताओं की सेवा सुश्रूषा की जाती थी। बहुत पहले कमला नेहरू ने हैदराबाद में पर्दा नशीन औरतों के सामने भाषण देते हुए कहा था, सबसे पहले आप सबको मुक्त होना है। मेरा विश्वास है कि अगर महिलाएं अशिक्षित रहकर पुरुषों से अलग रहेंगी तो कभी भी देश की प्रगति संभव नहीं हो सकेगी। कमला ने जो कहा उसे जीवन में उतारा भी। उन्होंने अपनी लाडली इंदु को भी वैसी ही शिक्षा दी थी। उन्हें निर्भीक बनाया था, चुनौतियों और परिस्थितियों का सामना करने का साहस कूट कूट कर भरा था और आजादी की लड़ाई में हाथ बटाने की प्रेरणा दी थी। इसी का परिणाम था कि उस छोटी उम्र में इंदु ने बानर सेना बनाई थी और भूमिगत आंदोलनकारियों की गुप्त चिट्ठियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर अंग्रेजी सरकार के गुप्तचर विभाग को अचंभित कर दिया था। 1 जनवरी 1931 को आनंद भवन में कमला नेहरू गिरफ्तार कर ली गईं। जेल जाते समय एक संवाददाता के पूछने पर उन्होंने बताया था, मुझे गर्व है कि मैं अपने पति के पद चिन्हों पर चल रही हूं। छब्बीस दिनों के बाद जब कमला नेहरू की रिहाई हुई तब मोतीलाल मृत्युशैया पर थे। 6 फरवरी 1929 को उनका देहांत हो गया। 1931 से 1934 तक का समय कमला नेहरू के जीवन का पूर्णतः एकाकी जीवन का समय था। जवाहरलाल अधिकतर जेल जीवन बिता रहे थे।
दिन इलाहाबाद के कंपनी बाग में अंग्रेजों ने क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद को गोली मार दी। कमला नेहरू ने उनकी अंत्येष्टि की जिम्मेदारी संभाली और पुरुषोत्तम दास टंडन के साथ संगम पर खड़े होकर उनका दाह संस्कार संपन्न कराया। कमला नेहरू का स्वास्थ्य पुनः गिरने लगा, उनकी बीमारी चिंताजनक बनती गई। जवाहरलाल देहरादून जेल से पैरोल पर छोड़े गए। सरकार की शर्त थी कि यदि वो अपनी राजनीतिक गतिविधियां बंद कर दें तो उन्हें हमेशा के लिए छोड़ा जा सकता है, किंतु कमला ने ब्रिटिश सरकार से किसी प्रकार के समझौते से इनकार कर दिया। जवाहरलाल पुनः देहरादून जेल वापस चले गए और कमला नेहरू इलाहाबाद से अल्मोड़ा के समीप भोवाली सैनिटोरियम में लाई गईं। लेकिन ऐसा आभास होने लगा था कि जिंदगी विदा होने के लिए उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। संभवतः जवाहरलाल ने भी यह आवाज सुनी और कमला प्रायः मृत्यु की कामना कर रही थी। वो कहती थी, जीवन चिरंतन नहीं है, जो जीवन देश के काम आने वाला ना हो उसे बोझ की तरह ढोने से क्या मतलब। डॉक्टरों की सलाह पर कमला भोवाली से स्विट्जरलैंड स्थित बेडन वेलर के स्वास्थ्य गृह में लाई गईं। 4 सितंबर 1935 को जवाहरलाल के अल्मोड़ा जेल से रिहाई हुई और वो कमला के पास आ पहुंचे। क्लांत और ज्वरग्रस्त कमला का जिज्ञासु स्वभाव तब भी वैसा ही बना हुआ था। जवाहरलाल उन्हें कभी गीता, कभी गुड अर्थ, तो कभी कोई और पुस्तक पढ़कर सुनाते रहते थे। कमला की दृष्टि में अगर कोई सुंदरतम पृथ्वी थी तो वो थी उनकी मातृभूमि। भारतवर्ष उनका आराध्य था, उनका तीर्थ स्थल था। कमला नेहरू पूर्णतया आध्यात्मिक थी, वेदांत पर उनकी गहरी निष्ठा थी। उनका कहना था, सबके भीतर रहने वाला ईश्वर मैं ही हूं। कमला का जीवन पीड़ित शोषित देशवासियों की सेवा के लिए और भगवान के चरण कमलों पर समर्पित फूल की तरह पूजा के लिए था। February 1936 को स्विट्जरलैंड के लासेने सेनेटोरियम से जवाहरलाल नेहरू ने बेलोर मठ के स्वामी अभयानंद को पत्र में लिखा था, पिछले 10 दिनों से उसकी तबीयत काफी सुधरी हुई नजर आ रही है। मैं शायद 28 फरवरी को हवाई जहाज से हिंदुस्तान रवाना होने का इरादा रखता हूं। लेकिन 28 फरवरी 1936 को कमला नेहरू ने इस ससार संसार को त्याग दिया। कमला जवाहरलाल की कमलन नहीं रही। गांधी जी ने जवाहरलाल को लिखा था, मुझे अभी तक ऐसी सत्यनिष्ठ, साहसी और ईश्वर पर आस्था रखने वाली दूसरी स्त्री देखने में नहीं आई है। जवाहरलाल ने अपनी आत्मकथा कमला नेहरू को समर्पित की है। उन्होंने लिखा है, अतीत के पन्ने जब उलटकर देखता हूं तो मेरी नजर के सामने मुझे कमला खड़ी हुई दिखाई देती है। तब लगता है कमला सिर से पांव तक भारतीय थी। वो भारतीय नारी का गौरव थी, प्रतीक थी। वंदे मातरम् न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायम् भूत्वा भविता वा न भूयेयम् अजो
वेदः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते अन्यमाने शरीरे।